नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 24 अगस्त 2023 और यहां पे 25 अगस्त 2023 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। वीडियो और आंसर्स अगर पसंद आए दोस्तों जरूर फीडबैक करिएगा। टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल किया, आज देखिए मैंने कॉल ऑप्शन भी दिया था आपको, पुट ऑप्शन भी दिया था, दोनों की ही टारगेट आ गए। आप जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पर और इंजॉय करिए, सारे टारगेट आ गए थे। वीडियो थोड़ा लेट से इसलिए मिल रहा है कि मैं थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था कुछ अपने पर्सनल घर के कामों से, तो अभी आप आया हूँ इस वजह से थोड़ा लेट हो गया, लेकिन वीडियो आपको मिल रहा है इसके लिए आप मुझे माफ करें, थोड़ा सा लेट हो गया है। चलिए अब यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी फ्राइडे वीकेंड के लिए क्या सिचुएशन बन रहा है कि आज का जैसे आपने हाई देखा ऊपर की तरफ में गया है, और आपको ये भी पता है कि मेरा एक मीटअप प्रोग्राम पटना में ऑर्गेनाइज होने वाला है 9 से 10 सितंबर को। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, आना चाहते हैं मुझसे मिलने के लिए पटना में, तो आप मुझे 6 सितंबर 2023 से पहले इनरोल कर लीजिए, मेरे डायरी पे अपना नाम लिखवा लीजिए, मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए अपना नाम और शहर का नाम के साथ, अपना मोबाइल नंबर भी मुझे दे दीजिए ताकि मैं आपको होटल का एड्रेस भेज सकूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर आइए, पटना में आपका स्वागत है। लेकिन 6 तारीख से पहले मुझे बता दीजिए भाई, अपना नाम जल्द से जल्द मेरे रजिस्टर में नोट करवा लीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 8709652195। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल ही जाता है आपको मेरा मोबाइल नंबर, ठीक है। तो मीटअप प्रोग्राम में आपका स्वागत है, पटना में 9 से 10 सितंबर को हो रहा है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। बैंक निफ्टी हाई कितना लगाया, 45,000 के आसपास पहुंच गया था। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ में, आप देखिए किस तरह से 44,950 लगाया, यानी कि लगभग 45,000, और यहाँ पर से जो रेजिस्टेंस आया और जो गिरा, मैंने आपको कल भी ये बात बोला था कि 45,000 के आसपास अगर मिलता है तो आपको वहाँ से सेल का पोजीशन भी बनाना चाहिए। अगर कल वाला वीडियो आपने जरूर देखा होगा तो ये बात बिल्कुल वहीं पर, पुट ऑप्शन भी मैंने दिया हुआ था 44,600 का स्ट्राइक प्राइस का, उसके भी सारे टारगेट आ गए। कॉल ऑप्शन दिया था उसके भी सारे टारगेट आ गए, तो 44,800 का कॉल ऑप्शन दिया था सब टारगेट, 44,600 का पुट ऑप्शन सब टारगेट, ठीक है ना, फ्री में सेवा करता हूँ आपको। अब कल देखिए क्या हो सकता है इस कंडीशन में, यहाँ पे क्या सिचुएशन बनेगा। यहाँ देखिए वन वे फॉल हुआ है, आप देखिए फॉल में कमी नहीं हुआ है, वन वे फॉल हुआ है एकदम, इसको कहते हैं वन वे फॉल होना, यानी कि ये कहीं पे रुका ही नहीं, इस तरह से ये गिराना कहीं ये रुका ही नहीं। अब इसको ऊपर जाना है ना, तो दोबारा से अब जो ऊपर जाना होगा इसको, तो 44,600, चल एक लेवल 44,600 के ऊपर निकलने पर आपको बाइंग करना है, इसके पहले नहीं करना है। और जो टारगेट बनेगा 44,700 से लेके 44,800 और 44,900, अच्छा रहने कंडीशन में 45,000 का लेवल क्लेम कर सकता है। ये देखिए 45,000, बड़ी तेजी कब बनेगी, बड़ी तेजी बनेगी 45,000 के ऊपर सस्टेन करने पर, उसके पहले नहीं। लेकिन आप 45,000 के आसपास अगर पहुंचते हैं तो यहां से पोजीशन कट करके आप बैठ सकते हैं या सेल ऑन राइज भी कर सकते हैं। तो चूंकि आपने पहले बाय किया हुआ है तो आप यहाँ से कॉल ऑप्शन लेना पसंद करिए, 44,600 के ही स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर आप नीचे सेल करते हैं तो जरूर सेल करिए, सेलिंग में दिक्कत नहीं है। 44,400 ये वो एरिया है जिसके नीचे आपको सेल करना ही चाहिए भाई, 44,400 के नीचे सेल करेंगे। और जो टारगेट बनेगा 44,300 से लेके 44,200 वाला एक अच्छा सपोर्ट एरिया का काम करेगा, क्योंकि पहले वो रेजिस्टेंस हुआ करता था, लेकिन अगर 44,000 के नीचे सस्टेन किया तो 44,100 से लेके फिर राउंड नंबर का सपोर्ट एरिया 44,000 तक भी बन सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, आप पुट ऑप्शन लेना चाहें इसके हिसाब में तो 44,400 के ही स्ट्राइक प्राइस का लेके चलेंगे, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इनकेस अगर ये फिर से गैप अप और गैप डाउन हो जाता है किसी कारण, बस ये ऊपर खुल गया और ये ऊपर खुल गया यहाँ से डायरेक्ट 500 पॉइंट, तो आप देखिए किस तरह से यहाँ से ये खुलेगा इसे, है ना, डायरेक्ट। तो ये चूंकि रेजिस्टेंस यहाँ से गिरा तो ये भी रेजिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ वन टॉप है तो यहाँ सेकेंड टॉप हो जाएगा, डबल टॉप हो जाएगा। तो मान के चलते हैं कि 45,000 के आसपास खुलता है या 45,100 के आसपास खुलता है या 44,900 पर खुलता है, इसी तीन जगह में से कहीं खुलेगा। अगर गैप अप खुलेगा
तो इन तीनों ही जगह पर हम सेल का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट ऊपर नीचे की साइड में जो लेंगे 44,800 से लेके 44,600 और 44,500 तक के टारगेट जो कैश का लगभग क्लोजिंग प्राइस है वहाँ पर आ सकता है। पुट ऑप्शन अगर आप लेना चाहें तो आप जरूर 45,000 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये गैप डाउन हो गया दोस्तों, ऊपर नहीं खुल के नीचे खुलता है और डायरेक्टली ये खुल गया 44,000 के आसपास में, 43,900 पर खुल जाता है, 43,800 पे खुल जाता है, तो ये 43,900 और 43,800 बहुत ही अच्छा एरिया है जहाँ पर आपकी बाइंग पोजीशन बन सकती है। 44,000 पर भी बाय करेंगे लेकिन अगर नीचे आ गया बाइंग करने के बाद तो आप क्वांटिटी एड करके चल सकते हैं। जो टारगेट ऊपर की साइड मिलेगा 44,100 से लेके 44,200 और 44,200 से लेके 44,300 और उसके बाद जो आज का क्लोजिंग है 44,500 तक का भी लेवल आपको बन सकता है। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें यहाँ से जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए 44,100 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये तो हुआ बैंक निफ्टी का दोस्तों लेवल। अब चलते हैं जरा निफ्टी के तरफ में और निफ्टी में देख लेते हैं सिचुएशन क्या चलता है, निफ्टी में क्या हिसाब किताब चल रहा है। और ये आ गया निफ्टी का प्राइस। अब निफ्टी में भी हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि निफ्टी 19,350 एक सपोर्ट एरिया बना रहा है। ये ग्रीन कैंडल का लो देखते हैं तो 19,366 आता है, तो इसके नीचे जाने पर आपको एक खराबी देखने को बनेगी। इनके ऊपर निकलता है 19,550 से 600 तो फिर आपको बाइंग जोन बनेगा। लेकिन चूंकि कैंडल जिस तरह का बना रहा है ये गिरावट का सिग्नल दे रहा है, चूंकि पूरा का पूरा गेन खत्म कर लिया और गेन खत्म करके अपने उस सपोर्ट एरिया पर आप होल्ड भी कर पा रहे। यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट एरिया ही इस ट्रेंड लाइन का, ये एरिया डेंजर जोन है क्योंकि इसके नीचे अगर ये निकल जाएगा तो फिर आपको एक गिरावट देखने को मिलेगा। तो 19,350 आप ध्यान रखें कि अगर ये 19,350 के नीचे आता है तो आप एक बार सेल का पोजीशन जरूर बनाइए और जो टारगेट बनेगा 19,275 से लेके 19,250। और अब मैंने आपको पहले कल भी बताया था कि 19,250, 40, 60 ये सब बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, तो 250 पे आपको एकदम निकल भी जाना है सेल का पोजीशन से। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो 19,350 के स्ट्राइक प्राइस का 350 का लेके चलेंगे, इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इन केस अगर आपको बाय करना है तो आप जरूर बाय करेंगे। कहाँ पे बाय करेंगे, अगर यहीं पर से ये डायरेक्ट ऊपर घूम जाता है तो आप इस हर्डल प्राइस के ऊपर बाय करेंगे जिसका प्राइस आता है 19,450 के ऊपर। इसके पहले बाइंग नहीं बनेगा, आपको इसके ऊपर लेना बहुत जल्दबाजी में है तो आप 19,425 के ऊपर भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छा लेवल होगा 19,450 के ऊपर। टारगेट जो बनेगा 19,475 से लेके 19,500 वाला, अच्छा रहने के कंडीशन में 19,525 से लेके 19,550 वाला, जो कि लगभग लगभग आज का हाई प्राइस आप देख रहे हैं 19,600 के पास भी गया था, यानी कि 19,575 तक भी चला गया था। तो इस लेवल तक 550-575 हर्डल प्राइस है, आपको इस जगह पर आते के साथ ही रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, इसलिए से बाय का पोजीशन काट सकते हैं वहां पर। लेकिन चूंकि पहले आपने बाय किया है तो आप जरूर कॉल ऑप्शन यहां से लेना चाहेंगे, 19,450 के स्ट्राइक प्राइस कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 19,450 के स्ट्राइक प्राइस, इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब यहाँ पर ये भी गैप अप और गैप डाउन हो सकता है, यहाँ से भी ये ऊपर जा सकता है और अगर ये डायरेक्टली 19,550 से लेके 19,600 पर खुल गया किसी कारणवश, तो ये आपको पता है कि ये रेजिस्टेंस एरिया आज इसी के पास से गिरा है, तो फिर से सेलिंग का पोजीशन बनेगा इस कंडीशन में और जो नीचे टारगेट खुलेगा 19,500 से लेके 19,400 तक के टारगेट देखने को बन सकता है। ये ध्यान रखना कि वापस फिर इस लेवल पर ये क्लेम कर सकता है, थोड़ा ऊपर भी रहे 425 के आसपास में तो लगभग लगभग वो आप समझे। पुट ऑप्शन आपको यहाँ पर से लेना है सेलिंग कंडीशन में 19,550 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं, इंडेक्स नीचे आएगा ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये गैप अप ना होके दोस्तों गैप डाउन हो गया और नीचे ही खुलता है किसी कारणवश और ये 19,250 से लेके 19,300 के बीच में कहीं पर खुलता है, तो ये दोनों ही एरिया आपके लिए बाय जोन कहलाएगा। टारगेट लेना है 19,325 से 19,400 तक का एक टारगेट आप ले सकते हैं। आप यहां से कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो 19,300 के स्ट्राइक प्राइस का लेंगे, इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल है जो फ्राइडे वीकेंड के लिए मैंने शेयर किया है आपको। टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव मार्केट में कॉल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ पे कॉल की प्राप्ति होती है।
बाकी पटना मीटअप प्रोग्राम में आप स्वागत आमंत्रित हैं। अगर आप आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं मुझसे, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 6 तारीख से पहले, जितना जल्द से जल्द हो आप मुझे अपना नाम और मोबाइल नंबर व्हाट्सअप कर दीजिए, ताकि मैं नोट कर सकूं अपनी डायरी में, अपनी लिस्ट में आपका नाम और नंबर, और फिर मैं आपको होटल का एड्रेस भेज पाऊँ। ठीक है, तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।